शामली में एक तेंदुआ अपने घर के बाहर खड़ी 5 साल के बच्चे को उठा ले गया। चीख पुकार सुनकर गांव वाले लाठी डंडे लेकर दौड़े, लेकिन जब तक वे बीच बचाव कर पाते तेंदुआ बच्चे को मार के आया। गांव वालों ने बच्चे का शव बरामद किया और सूचना मिलने के कई घंटे बाद वन विभाग की टीम के पहुंचने से लोगों में भय और गुस्सा है। घटना कैराना के मजवारा गांव में हुई। बच्चे की मां जुल्फाना अपनी बेटी अंसा के साथ अपने पिता लियाकत से मिलने गई थी। रविवार रात करीब 9:30 बजे तेंदुआ पास के खेतों से निकला और अंसा को खींच कर ले गया। तलाश के बावजूद वह मृत पाई गई और उसका सिर खा लिया गया। गांव वालों का दावा है कि वन विभाग को तुरंत सूचना दी गई, लेकिन उसने तुरंत कार्रवाई नहीं की। उत्तर प्रदेश के झांसी में स्मार्ट सिटी योजना के तहत लक्ष्मी ताल, पानीवाली धर्मशाला और लक्ष्मी तालाब के सौंदर्यकरण में रंग बिरंगी देशी और विदेशी मछलियां शामिल की गई थी। हालांकि खराब रख रखाव और सुरक्षा के कारण लक्ष्मी तालाब में हजारों मछलियां मर गई है। राहगीर मरी हुई मछलियों को ले जा रहे हैं, लेकिन सरकार को काफी वित्तीय नुकसान होने के बावजूद अधिकारियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। कुछ सूत्रों का कहना है कि किसी ने तालाब में कोई जहरीला पदार्थ मिला दिया था, जबकि अन्य का मानना है कि सफाई की कमी के कारण पानी जहरीला हो गया जिससे मछलियां मर गई। रायबरेली में ट्रिपल मर्डर केस के आरोपी को अपर न्यायाधीश ने आजीवन कारावास और 1,00,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। मार्च 2020 में पत्नी बेटी और नौकर को सोते समय जिंदा जलाने के मामले में दोषी शिवकुमार यादव को जेल भेजा गया था। यादव को एक सप्ताह की तलाश के बाद गोवा से गिरफ्तार किया गया और वापस रायबरेली लाया गया। वकील साहब, क्या परिचय है? अवधेश कुमार पांडे, एडीसी क्रिमिनल। एक जजमेंट आया है आज, क्या ऐसा मामला? ये 2/3/2023 की रात की घटना है। ये अभियुक्त शिव कुमार उप सीबू भवनपुर थाना सीराबाद का रहने वाला है। इसने अपनी पत्नी मोनी, 2.5 साल की बिटिया थी अवनी, और एक गांव का ही लड़का था नंचू, उसकी हत्या कर दिया और हत्या करके बहुत ही क्रूरतापूर्ण से पूरी जला दिया। जला कर ये भाग गया था और ये गोवा में इसकी गिरफ्तारी हुई थी, तब ये पता चला कि ये इसने हत्या अपराध किया है। आज क्या सजा हुई है इसको? 302 के अपराध में आजीवन कारावास और 30,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है और 201 के अपराध में 7 साल की सजा और 10,000 रुपये के जुर्माना से दंडित किया गया है। ये श्री बिमल त्रिपाठी एडीजे फास्ट ट्रैक तिथि हैं, इन्होंने पूरे साक्ष्यों के आधार पर यह फैसला सुनाया और दंडित किया है। रायबरेली में स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि एक नर्स ने कथित तौर पर सीएमएस के प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। सीएमएस ने अपने दौरे के दौरान नर्स को फटकार लगाई, जिसके बाद नर्स ने अन्य नर्सों को इकट्ठा कर विरोध जताया। नर्स एसोसिएशन ने अपना विरोध दर्ज कराया, इसके बाद सीएमएस ने माफी मांगी। हालांकि एक अन्य संगठन के प्रमुख ने ऐसी घटनाओं के लिए स्टाफ नर्सों की कमी को जिम्मेदार ठहराया, जिसका अर्थ है कि विभागीय कमियां ऐसी स्थितियों में योगदान देती है। दूसरी ओर सीएमएस ने कहा कि ऐसी घटनाएं आम है, यह घटना रोगी देखभालकर्ता व्यवहार और इसे कौन संबोधित करेगा के बारे में चिंताओं को उजागर करती है। सिस्टर, आज क्या हुआ जो आपको यहाँ पर आना पड़ा सीएमएस के पास? मैं राजकीय नर्सेज संघ की जिलाध्यक्ष शशिबाला सिंह महिला अस्पताल में पोस्टेड हूँ। मेल साइड में ऑर्थोपेडिक वार्ड में सिस्टर निरुपम आज सुबह ड्यूटी पे आई और सीएमएस सर का राउंड हुआ। वार्ड में कुछ कमियाँ दिखी तो सर ने कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिस वजह से ये आहत हुई और तत्काल इन्होंने मुझे फ़ोन किया। ये रोने लगी और कि दीदी जहाँ भी हो आप तुरंत आ जाओ, हम लोग अपना हमारी सहयोगी जो सरोजनी सिस्टर है तिवारी उनको लेकर के मैं तत्काल आई और यहाँ पर हम लोगों ने जितने भी इंचार्जेस हैं सबको लेकर के सर के ऑफिस में आकर के एक मीटिंग करी गई उनके साथ में, और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि मैं झुंझलाहट में कुछ ऐसा बोल गया हूँ और सॉरी भी बोला उन्होंने। कहा कि आगे से मैं कभी अभिभावक की तरह हूँ आप लोगों के और आगे से इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करूँगा। स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। सबसे मूल समस्या ये है कि मेल साइड में जिला अस्पताल में स्टाफ की बहुत समस्या है और 86 बेड पर 2 स्टाफ नर्स काम करती हैं, तो ऐसे में वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो सर से हमने अभी ये बोला है कि नहीं सर आप एक डिमांड करिए स्टाफ नर्सेज की, तो कुछ पेपर्स दिखाया उन्होंने। महिला अस्पताल में एसडीयू के लिए 5 स्टाफ नर्स आई हैं तो उन्होंने कहा महिला को लिखा हुआ है
और सीएमओ सर का भी इसमें है, तो हम लोग एक प्रतिनिधित्व तो हम करेंगे और एक प्रतिनिधि मंडल हमारा सीएमओ सर से भी मिलेगा ताकि हमारी स्टाफ नर्सेस की कमी को दूर हो सके। आए दिन समस्या बनी रहती है वार्ड में स्टाफ की कमी के नाते और मरीजों की संख्या की अधिकता होने के कारण आए दिन इस तरह के हादसे होते रहते हैं। क्या वार्ड बॉय की भी कमी है क्या? नहीं, वार्ड बॉय तो अभी परमानेंट वाले तो कुछ कम हो गए हैं, काफ़ी उसमें भी कुछ रिटायरमेंट के करीब हैं और ओल्ड एज में हो गए हैं और कॉन्ट्रैक्ट पे भी हैं, संविदा पे भी हैं, लेकिन तो जो घेराव था सीएमएस का अब खत्म हो चुका है अब तरफ से। अब घेराव कह लीजिए या एक मीटिंग कह लीजिए, एक हम लोग के अभिभावक के तौर पे तो हैं, अस्पताल के मुखिया हैं, तो कोई लड़ाई दंगा नहीं करके करना था हम लोगों को, हमें अपनी बात को सिस्टमेटिक तरीके से कहनी थी, तो सर ने भी उस बात को स्वीकार किया है, माना है और हम अपनी ड्यूटी। अब आप लोग ड्यूटी पे जा रहे हैं कि नहीं? ड्यूटी पर हम जा रहे हैं और बाकी सब। हमीरपुर में कल घरेलू गैस सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई, जिसमें एक बच्चे समेत 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से 2 की हालत गंभीर होने पर उन्हें कानपुर रेफर कर दिया गया। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। घटना सदर कोतवाली के पुराना बेतवा घाट इलाके की है। झांसी उत्तर प्रदेश में छात्र युवा समूह संघ द्वारा बहादुर मैरिज गार्डन में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों को सम्मानित करने के लिए एक समारोह आयोजित किया गया। 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मेडल और प्रमाण पत्र दिए गए। मुख्य अतिथि की पिछड़ी वास्तव विशिष्ट अतिथि एसके साहू, सत्येंद्र सिंह और बाल मुकुंद अग्रवाल शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन अजहर कुरैशी ने किया और रिजवान मंजूर ने अतिथियों का स्वागत किया और विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशिका वर्मा है। कहाँ निवास करती हैं? हम नगरे में। आज किस संस्था द्वारा आपको सम्मानित किया गया और कितने मार्क्स आए थे, क्या कारण है? CSP इंस्टीट्यूट से हमने अपना शिक्षण प्राप्त किया है, हमारे 91% आए हैं। सफलता का लक्ष्य किसे देना चाहेंगे आप? सर, हम अपने विकास भैया और रिजवान सर को देना चाहेंगे। लगभग कितने समय से संस्थान में आप? हम 1 साल से। क्या कहना चाहेंगे और छात्रों तक किस तरह पढ़ाई करें और आगे बढ़ें? सर, हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आप लोग अच्छे से मतलब कंसिस्टेंसी से आप पढ़ाई करें और मतलब रिजवान सर और विकास भैया बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, आप इनके माध्यम से भी बहुत अच्छे परसेंट ला सकते हैं। एक बार इंस्टीट्यूट का नाम अपने आप स्वयं बोले, क्या नाम? CSP इंस्टीट्यूट। बात करते हैं प्रेम नगर नगरा झांसी। किस संस्थान से कहाँ पर आज सम्मानित किया गया? हम सक्सेस अकेडमी विकास बोरोनिया सर के नेतृत्व में और CSP श्रीमान रिजवान सर के नेतृत्व में हमने पढ़ाई की है। 90% की हमारी 12th में। सफलता का लक्ष्य कैसे देना चाहेंगे आप? हमारे रिजवान सर और विकास बड़ोनिया सर। किस इंस्टीट्यूट से कितने समय से आप जुड़े हुए थे? हमने 12th की थी सक्सेस अकेडमी से। और आज क्या कहना चाहेंगे इस पूरे सफलता को लेकर और मीडिया के माध्यम से उन बच्चों तक क्या संदेश देंगे जिनके अच्छे परसेंट आए जैसा कि आपके हैं? हम अपनी सक्सेस के लिए हमारे विकास बड़ोनिया सर और रिजवान सर को डेडिकेट करना चाहेंगे अपनी सक्सेस के लिए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पुलिस अधीक्षक अवधेश सिंह के निर्देशानुसार गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग की गई, जिसमें एक साथी चोर अब्दुल अजीज पुत्र मोहम्मद मदरेश उम्र 24 वर्ष निवासी मालदा जिला पश्चिम बंगाल को गिरफ्तार किया गया है। वह रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों के मोबाइल फोन चुराता था। पुलिस ने उसके पास से 52 मोबाइल फोन बरामद किए, जिनकी बाजार में कीमत 10 लाख रूपये से अधिक बताई जा रही है, तथा उसे गोरखपुर रेलवे स्टेशन से रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तथा विधिक कार्रवाई के बाद जेल भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश के झांसी के थेरमपारा में सुगम बुद्ध बिहार सम्मेलन में मुख्य अतिथि चंद्रभान और अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। 17वें बुद्ध धम्म स्मारक का अनावरण किया गया और भगवान गौतम बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं पर व्याख्यान प्रस्तुत किए गए। बौद्ध शिक्षाओं पर एक प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें भाग लेने वाले बच्चों को पुरस्कार दिए गए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने सुगम बुद्ध बिहार के निर्माण के लिए 2.5 करोड़ रूपये आवंटित किए। हजारों की संख्या में श्रद्धालु इसमें शामिल हुए और मुख्य अतिथि ने सरकारी प्रतिनिधियों और उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया।